नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। हुसैनाबाद पुलिस ने सभी प्रखंडों के पंचायत सचिवालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान बताया गया कि संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को सूचना दें, बच्चा चोर की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून हाथ में न लें। हिंसात्मक कार्रवाई के दौरान यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मॉब लिंचिंग माना जाएगा। ऐसे मामले में कानूनी प्रावधान के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि अन्य प्रकार के अफवाहों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, साथ ही लोगों को जागरूक करें। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस क्रम में देवरी कला पंचायत सचिवालय में देवरी ओपी प्रभारी इंद्रदेव राम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर देवरी कला के मुखिया मनोज भारती, पंचायत समिति सदस्य अजीत कुमार सिंह, वार्ड सदस्य ग्रामीण सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पंचायत सचिवालय में बैठक किया गया, क्यों किया गया? आज देवरी कला पंचायत सचिवालय में मॉब लिंचिंग से संबंधित जागरूकता चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मॉब लिंचिंग से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, इस संबंध में लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग एक बृहत गंभीर मामला है, जिससे बचना चाहिए, इससे बचें। इस तरह का मामला अगर आता है तो पुलिस प्रशासन से संपर्क करें, अपने से कानून को हाथ में ना लें। भीड़ का इकट्ठा, अगर भीड़ इकट्ठा कहीं होती है तो किस लिए भीड़ इकट्ठा हुई है, इसका जानकारी, इसका सत्यापन कर लें, तभी आप किसी तरह का भीड़ का भाग बने। और अगर किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न होता है तो आप थाना से संपर्क करें, हम लोग को जानकारी दें। यही सब बारे में लोगों को बताया जा रहा है। आप देवरी कला पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो देवरी कला पंचायतवासी से हम यही अपील करेंगे कि जो भी आज लोगों को बीच मॉब लिंचिंग संबंधित जागरूकता दिया गया है, इस पर वो अमल करेंगे। अगर इस तरह का कभी समस्या उत्पन्न होता है तो हम लोग से संपर्क करके इसको समाधान करेंगे। क्या मॉब लिंचिंग के लिए आगे भी इसी तरह का जागरूकता अभियान जारी रहेगा? जी, जारी रहेगा। अगर इस तरह का कोई भी लगता है लोगों को कि और जागरूक होना है, और अगर किसी तरह का की कोई जानकारी अगर लेना है, तो हम लोग बीच बीच में इसका जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। क्या